अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद कदीर अरफानी आटो लाहौर से। ये गाड़ी आल्टो है, ये भी भाई बड़े परेशान है, ये कोरे है, ये गाड़ी बड़े परेशान है, इसका काम कर रहा हूँ। वो सामने मेरे पास कल्टस खड़ी है, वो भाई भी इंजन करवाया, बड़े परेशान है, उनकी गाड़ी है, वो कल्टस की ट्यूनिंग करनी है, वो भी लाहौर से बाहर की गाड़ी है, कल का टाइम लिया था उन्होंने। ये जो आपकी गाड़ी है आल्टो, इसमें क्या क्या परेशानी मुश्किलें थी आपको? मिसिंग कर रही थी, पेट्रोल ज़्यादा खा रही थी, एवरेज ट्यूनिंग करा के मैं बार बार मैं मैकेनिक के पास जा रहा था, प्लग भी वो नए लगवा लिए, फिर भी मसला हल नहीं हुआ, झटके मार रही थी, मिसिंग कर रही थी रस्ते में। आपका सर जी, आपकी गाड़ी है सर, ये ना पेट्रोल ज़्यादा खा रही थी, तो आपके पास लेके आए हैं, इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएगा। ये तकरीबन कोई 7, 8 या 9 कर रही होगी, अब आपके पास आए हैं, इंशाल्लाह बेहतरी है, इंशाल्लाह अल्लाह सुबहाना ताला की मेहरबानी से, उसकी फजल से इंशाल्लाह। ये कारपेट भी खोल लिया है, ये भी कारपेट खोल के इसका भी सामान धो रहे हैं, इसका भी कारपेट खोल लिया है, ये भी सारा सामान धो के सारे रूटीन वाइज गाड़ियाँ मुकम्मल करते हैं, ये सारा निज़ाम करते हैं बेहतर इंशाल्लाह। ये भाई फैसाबाद, ये भाई फैसाबाद से, ये लोगों पर कितनी अभी कारी गाड़ी आ रही है? 12.3 2015 मॉडल है ये कल्टस, ये 12.5 का रही है, पिक भी इसका कम है जी। इंशाल्लाह इनकी गाड़ी का भी रिजल्ट निकाल के देंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ये भी एवरेज करके देते हैं इनको सेट, ये सारी गाड़ियाँ रूटीन वाइज सारी गाड़ियाँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से इनको करके देंगे। ये कारपेट कर रहे हैं, ये भी सारा सामान धो के सारी सेटिंग करके इनके जो जो फॉल्ट ना वो इंशाल्लाह निकालते हैं। बाकी रूटीन वाइज जो गाड़ियाँ मुकम्मल, इनके टैपर भी करने हैं, उनके भी टैपर करने हैं, वो भी टैपर करने हैं, सारी गाड़ियों के टैपर भी करते हैं साथ साथ, ठीक है, ओके। अभी खोल कर रहे हैं सारा काम, ये देखें ये कोरे के प्लग हैं, देखें ज़रा, ये बाइक की गाड़ी है, ये 5-6 की एवरेज है, बहुत फ्यूल खर्च कर रही है। प्लग नंबर कौन सा है, नंबर भी गलत लगा हुआ है, ये नंबर भी इसका नहीं है प्लगों का, तो ये मतलब है तो ज़रा प्लग ढे गलत लगे हैं। ये इस गाड़ी का कारपेटर है ये वाला, इसका जेट का सराह भी बंद किया हुआ है 90 का, इसका ये पावर जेट के अंदर भी फॉल्ट है, इसकी सिलाई जो ये वाली, ये वाली सिलाई के अंदर भी फॉल्ट है, ये गाड़ी स्लो में मिसिंग आ रही है, इसके प्लग भी चाइना के लगे हैं, ये इंजन ओवरऑल कराया है तो गाड़ी इसकी सेट नहीं हो रही। इंशाल्लाह अल्लाह सुबहाना ताला की मेहरबानी से ये गाड़ी ना इनको ठीक करके देंगे, बस काफ़ी कचरा भी इसके अंदर, ये देख रहे हैं ये वाला, ये देखें ज़रा, ये भी इसको स्प्रे से वॉश करते हैं, ये वाला साफ़ करते हैं सारा कचरा, ये सारी फिटिंग करते हैं, ये वाला सिलाई का जो सुराख है ये भी सही था ना, खोलते हैं इनको, ये फिटिंग करते हैं, क्योंकि कारपेट पहले भी किया है किसी ने, 2-3 बार कहने साफ सुफ किया है तो गाड़ी स्मूथ खड़ी, देखिए बड़े से भी नहीं लगी है, सारा सामान लगने के बावजूद भी गाड़ी का पिकअप नहीं, इंजन भी करा लिया ओवरऑल फिर भी गाड़ी सेट नहीं है, इसका कोई मज़ा नहीं है। अभी मैं इसको जेन्युइन जेट डालूंगा, इसको 90 का जेट आता है वो मैं लगाऊंगा, इसको लगा के कारपेट फिटिंग करके फिर गाड़ी स्टार्ट करके फिर कस्टमर का व्यू डालते हैं। प्लग इसके मैंने चेंज कर दिए, इसको ना ये वाले डेंसो लगे हैं, चाइना के प्लग लगे हैं, ये चाइना के प्लग हैं, गाड़ी का नवा इंजन वाला मज़े नहीं, पिकअप ही नहीं, गाड़ी मिसिंग आ रही है। अभी मैं इसको करता हूँ सारी मुकम्मल करने के बाद फिर गाड़ी स्टार्ट कर दें। ये मोहम्मद नईम साहब आए थे, ये कल्टस गाड़ी जिसकी मैं अभी आपको बता रहा था, काफ़ी फ़र्क था, वो पावर जेट और मीडियम जेट में फ़र्क था, कुछ चीज़ों में फ़र्क था, फॉल्ट था गाड़ी के, एक्सटेंडर भी काम नहीं, प्लग भी लगे हुए थे चाइना के। ये गाड़ी माशाल्लाह कंप्लीट हो गई है, बाकी गाड़ियाँ भी कर रहे हैं। हाँ जी बताएं सर जी, गाड़ी चला रहे हैं आप, ड्राइव कर रहे हैं? माशाल्लाह ठीक है, मज़ीद और चलाएँगे, लेकिन अभी बहुत फ़र्क है, अच्छी ड्राइव होगी पहले से, गाड़ी का पिकअप ठीक हो गया, चलने में ज़बरदस्त होगी, गाड़ी की मिसिंग ख़त्म होगी सारी जो बड़बड़ कर रही थी गाड़ी, शुक्र अल्लाह ताला का। अब मैं दूसरी गाड़ियाँ भी पहले गए लगा, दूसरी गाड़ियाँ भी करता हूँ, उनके साथ साथ भी उनका भी व्यू देता हूँ, ओके। ये कोरे का कारपेट मुकम्मल कर दिया, वो फिटिंग कर रहे हैं, ये आल्टो का कारपेट मुकम्मल करने लगे हैं, इसके ये देखें ये वाला जेट, इसका पतरी भी पीछे नहीं, इसकी गाड़ी की पतरी भी चेंज करनी है, जेट देखते हैं ये भी चेंज करते हैं इसका, एक ये बड़ा जेट लगा हुआ है जनरल, ये रहने दें, रकम हाई का ठीक है,
बाकी सारा ठीक है, बटरफ्लैग भी ठीक है। इंशाल्लाह अभी इसकी फिटिंग करते हैं सारी। इसके पीछे पतरी लगी होती है, वो पतरी नहीं है, इसकी पतरी फेंकी हुई है। गाड़ी भी स्टार्ट है माशाल्लाह, साउंड ठीक है। कारपेटर के अंदर फॉल्ट है, इसका मिक्सर भी काम नहीं कर रहा था। ये वैक्यूम सारी टी है, ये वाला सारा सिस्टम गलत लगा हुआ था, सारा ऑन कर दिया। तो सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं इंशाल्लाह। कारपेट के अंदर जो जापानी कारपेटर है उसका जो जेट है ना वो 92 का आता है जापानी कारपेटर के अंदर। जो पाकिस्तानी कोरे सादी ऑटोमेटिक नहीं, उसका 102 नंबर, और जो ऑटोमेटिक कोरे है उसका 108 नंबर जेट आता है। ये जेट बड़े डिपेंड करते हैं, जो जेनवन जेट है ना वो बाद में मिलते नहीं, और उनका साइज का भी फ़र्क होता है काफ़ी। इस गाड़ी का माशाल्लाह साउंड भी ज़बरदस्त हो गया है इंशाल्लाह। ये गाड़ी चलाएंगे, इनके प्लग भी ब्लैक थे, प्लग भी चेंज किया मैंने, 6 नंबर डाले हैं। पहले प्लग भी 5 नंबर लगे थे, लेकिन वो सही रिजल्ट नहीं। ये आल्टो गाड़ी है, इसकी प्लग की वायरिंग भी ख़राब है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर का टाइमिंग भी आउट है सारा। इसका भी कारपेट करके मुकम्मल कर दिया, बाकी वो गाड़ी कल्टस वो दूसरी गाड़ियाँ मैंने भेज दी हैं, ये भी करने हैं। टैपर कवर खोल लो यार इसका, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, इन गाड़ियों का रिज़ल्ट ज़बरदस्त ही होगा। और ये बेहतरीन रिजल्ट देगी गाड़ी इंशाल्लाह, ये ज़बरदस्त हो जाएगा। इसके बाद ये करते हैं यार, खोलो एम लगा को उतार रहा। अब इसकी ट्राई करते हैं, फिर चेक करवाते हैं गाड़ी, आपको भी नज़र आते हैं इसकी। ये वैक्यूम पैपों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है गाड़ी के अंदर ना। ये डिस्ट्रीब्यूटर के दो एडवांस हैं, ये ऊपर भी एडवांस होते हैं, ये नहीं, ये जेनवन एडवांस हो रहा है। ये जब एक्सीटर देंगे तब ये एडवांस करेगा। दोनों डिस्ट्रीब्यूटर के टाइमिंग के अंदर दोनों का फ़र्क आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये चीज़ है, ये नोट करनी है आप। गाड़ी है ये वाली, ये दोनों भाई सुबह गए, दुकान बंद थी जब ये भाई आए हैं। माशाल्लाह उन्होंने बहुत वेट किया है और बड़ा सब्र किया है। ये भाई बड़े परेशान हैं, ये कह रहे थे मुझे किसी ने मजांका बताया था, मैं आपकी वीडियो देखी तो मेरा दिल किया मैंने आपसे काम कराना है। इंशाल्लाह पूरी मेहनत से लगन से इनको गाड़ी करके देंगे, ऐसे नहीं छोड़ के देंगे जब तक गाड़ी सेट नहीं होगी, इनको देनी नहीं है इंशाल्लाह। दिखा दे रहा मेरा क्या एक नंबर टैपर ठीक है, ये देखें ये वाला वाल बंद है, चेक करो जरा, प्ले बहुत कम है। ये देखो यार गेज अंदर नहीं जा रही, ठीक है, ये भी गेज अंदर नहीं जा रही, ठीक है, ये भी गेज अंदर नहीं जा रही, ये भी नहीं जा रही। टैपर एक भी अगर आपने गलत कर दिया या सही नहीं हुआ तो कारपेट ब्रांड न्यू लगा देना कंपनी से, वो भी मेरे ख्याल 50-60 हज़ार का जापानी, फिर भी गाड़ी सेट नहीं होनी। जो चैना का डाल देंगे तो फिर भी सेट नहीं होनी, क्योंकि गाड़ी का रिजल्ट ही नहीं निकलना। एक टैपर ठीक हो गई तो बाकी जो आपके दूसरे वो बंद हो तो रिजल्ट नहीं निकलना। अगर गाड़ी फुल गर्म है तो टैपर आपने बिल्कुल पूरे पूरे करने हैं। अगर थोड़ी सी गाड़ी ठंडी हो गई है तो फिर आपने थोड़ी सी गेज जो है ना हल्की सी टाइट निकालनी है। ये देखें ये किसी कदर बेहतर है, ये टैपर ठीक है, और ये वाला टैपर थोड़ा 4 नंबर का लूज है, 3 नंबर का बंद थे टैपर। ये भी काफ़ी टाइट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा, 2 नंबर भी टैपर काफ़ी ज़्यादा टाइट है। टैपर मुकम्मल हो गए हैं इसके, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा।
इसका भी टाइमिंग भी चेक करते हैं, कोई फर्क तो नहीं इसका, वो भी निकाल दें, बाद में सारे चकनेट चेक कर लें, कोई लूज ना हो। डीजा निशान दे, टाइमिंग भी हो गया। ये देखें, ये एक नंबर वाल फ्री है दोनों, ठीक है। ये वाले डिस्ट्रीब्यूटर का टाइमिंग इधर आ रहा है, ठीक है, ये इधर होना है। ये भी काफ़ी रॉन्ग है, ये टाइमिंग भी गलत बांधा हुआ, ठीक है। कप दे गया, कप ले गए जल्दी, कप के अंदर एक नंबर लिखा हुआ, ठीक है, ये आपने इधर रखना है, ये एक नंबर की निशान ये है, ठीक है। ये टैपर लूज़ होंगे आपके, ठीक है, ये वाले इधर दिखाना, कैमरा के कार ही आ रहा है, टैपर लूज़ होंगे ये वाले। नीचे से टी चेक करनी है आपने, टी पर टाइमिंग एक नंबर लूज़ होना, वो चेक करना है आपने। ये इधर आ रहा है, ये कम से कम एक धंधे का फ़र्क है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर देखें किधर आया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर उधर जाना है, ये रिटायर किया हुआ है, टाइमिंग गलत है। ये भी ठीक करते हैं, थोड़ा सा कर यार, थोड़ा सा हल्का झटका लगा दे, हल्का सा, बस बस ठीक है। ये इसका एक नंबर इधर आना है, और दूसरे नंबर पे ये वाल एक नंबर के फ्री करने हैं, ये फेरिंग आ रही है, फेरिंग में पोजीशन में ये, ठीक है, पकड़ ही आएगा आपके पास। ठीक है, ओके, ये आपका टाइमिंग हो गया जेन्युइन आपका, ये इसको बोलते हैं कंपनी टाइमिंग। ठीक है, ये टाइमिंग अभी गाड़ी मुकम्मल करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये यासर भाई आए थे सुबह, दुकान बंद थी जब ही आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी ये गाड़ी, हाँ जी यासर भाई, जरा बताएं, जरा काम देखा आपने, गाड़ी भी आपने चलाई है, अब बंदे को अंदाज़ा तो हो जाता है। नहीं माशाल्लाह काम अच्छा हुआ है, मैं सुबह आ गया था यहाँ पे 10 बजे, माशाल्लाह गाड़ी भी ठीक है और बड़ी स्मूथ हो गई है, माशाल्लाह मज़ा आ रहा है चला के, इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इंशाल्लाह, है ना, अच्छे इंशाल्लाह, अल्लाह सुभान ताला की मेहरबानी से ये गाड़ी का रिज़ल्ट भी अच्छा होगा और एवरेज। वो आल्टो है वो भी भाई सुबह के आए हैं, वो भी अभी मैंने फारग करनी है, रात होने वाली है, जो गाड़ियां थी एक दो गाड़ियां वापस भेजी हैं, तो बस राइड जाना है आपने, ठीक है। तो इंशाल्लाह इनका रिज़ल्ट बेहतरीन होगा, थोड़ा काम करो, अच्छा काम करो और अल्लाह ताला को याद करो। सब दोस्तों को मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल रिसर्च किया करें, और सबको अल्लाह ताला तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। अस्सलाम वालेकुम। ये सर जी आए हैं, बड़े तंग थे कारपेट, ये आल्टो वो गाड़ी, ये सारे सुबह के रोंड की गाड़ियाँ जो इकट्ठी कर रहा था, आखिरी गाड़ी ये भी कर रहा हूँ। ये बेल्ट की आवाज़ कितने बंदों को चेक कराई, बंद नहीं हो रही अभी, की चीज़ करें तो 4 से 5 बंदों को चेक कराई होगी। अच्छा, अब बंद हुई है, अब इंशाल्लाह अल्लाह को बड़ी आपने मेहरबानी के साथ इसकी आवाज़ बंद कर दी। ये गाड़ी अल्लाह ताला के फजल से, उसकी मेहरबानी से, जो आज इन्होंने रफानी आटो से करवाई है ना, इन्होंने पहले कभी ऐसी गाड़ी नहीं चलाई होगी, ये ख़ास तौर पे आल्टो। ये बड़े परेशान थे, डिसहार्ट थे, कभी किधर कभी किधर कभी किधर, कारपेट के अंदर काफ़ी चीज़ों के अंदर फॉल्ट था, टाइमिंग मैंने आपको दिखाया, टैबलेट दिखाया बंद थे, तारें ख़राब थी इसकी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आउट थी, इंशाल्लाह वो मैंने सारी सेटिंग कर दी है। सुबह के बैठे हुए हैं गाड़ी, मैंने कहा जरा आप सब्र करो, पीछे कारपेट का सामान कम था वो भी पूरा किया, अब ये जब गाड़ी चलाएंगे इंशाल्लाह इनकी फ्यूल की एवरेज
अल्लाह ताला की मेहरबानी से बेहतरीन होगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ख्याल रखेगा इंशाल्लाह, ये रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह ओके होगा। ओके, अल्लाह ताला सब दोस्तों को सलामत और खुश रखे इंशाल्लाह। ये रोड ट्राई करके भी आपको दिखाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।